दोस्तों आज फाइव ऐसे सप्लीमेंट के बात करेंगे जिसके ऊपर पैसे खर्च करना शायद ठीक नहीं है। इंटेलिजेंट आइडिया तो नहीं है ये बोल सकता हूँ। जिनमें पहला नाम आता है ग्लूटामाइन का। इनका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपके बॉडी इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्या आप चौंक गए? हाँ दोस्तों, सिर्फ 2% ही एब्जॉर्ब होते हैं एंड शायद मसल के काम आते होंगे। दूसरा है BCAA। ये काफी एक्सपेंसिव है और इनमें एनर्जी के लिए कैफीन मिक्स किया जाता है। अगर टोटल प्रोटीन आपको सफिशियंट मिल रहा है आपके खाने से तो आपको BCAA लेने का कोई जरूरत नहीं है। और जो व्हे प्रोटीन आप खरीदते हैं उनमें लगभग 2:1:1 रेशियो में BCAA आपको मिल जाता है, तो अलग से इसे खरीदने का कोई सवाल नहीं आता। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। बताया जाता है ये आपका 20% से 100% या उससे भी ऊपर टेस्ट लेवल को इंक्रीज करता है। तो क्या वो मसल बिल्डिंग में काम आता है? शायद नहीं, क्योंकि मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होते हैं। अगर आप अच्छे डाइट के साथ अच्छे नींद ले और अच्छे कंपाउंड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चौथा है कैल्शियम। दोस्तों, मिल्क से या अदर फूड से हमें कैल्शियम मिल जाते हैं। जस्ट 1 serving ऑफ कैसिंग प्रोटीन प्रोवाइड 60% ऑफ द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम। पांचवा है फैट बर्निंग सप्लीमेंट। दोस्तों, काफ़ी सारे फैट बर्नर के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप अच्छे डाइट मतलब लो कैलोरी वाला डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इससे भी हेल्दी तरीके से अपना फैट को बर्न कर सकेंगे और साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि दोस्तों, बादाम खाने से उतना अकल नहीं मिलते जितना धक्के खाने से मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।